मीडिया, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में चीखते चिल्लाते न्यूज़ चैनल और पत्रकार आंखों के सामने आने लगते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसी मीडिया का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी हो सकता है? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में और दिखाते हैं आपको करीब से इस संस्था की मीडिया विंग कैसे परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मधुबन न्यूज के ऑफिस में। मधुबन न्यूज की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है बीके कोमल भाई को। बीके कोमल भाई इस संस्था से जुड़ने से पहले पत्रकारिता के फील्ड में काम कर चुके हैं और अपनी इस प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ उन्होंने पूरी तरह से सदुपयोग किया है। आइए मिलते हैं कोमल भाई से और उनसे ही जानते हैं मधुबन न्यूज के बारे में विस्तार से। मधुबन न्यूज ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक सामाजिक चेहरा है। ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन देश और दुनिया भर में लोगों के लिए क्या करती है, उनके विकास के लिए क्या करती है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह की चीज़ों को समाज में लाने के लिए वो प्रयास कर रही है, उसका पूरा लेखा जोखा समाचारों के माध्यम से मधुबन न्यूज देश दुनिया भर में लोगों के पास पहुंचाता है। और हमारा प्रयास है कि जो सामाजिक सरोकार से जो संबंधित काम होते हैं ब्रह्मा कुमारी जो कर रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। आज समाज में तेज़ी से एक लोगों में मूल्यों का विकास रुक गया है, मतलब नैतिक पतन हो रहा है। कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो शास्त्रों में भी उसका जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति में मधुबन न्यूज का दायित्व और बढ़ जाता है और ब्रह्मा कुमारी इसको रोकने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर प्रयास कर रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 140 देशों में काम कर रहा है। तो उस 140 देशों के सारे कौम के लोगों को किस तरीके से वो आंतरिक विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए, जाति धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए एकता के रूप में पिरोने के लिए और सद्भावना का प्रसार के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए जो काम कर रही है उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। और मधुबन न्यूज खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है माउंट आबू, यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर और इसके साथ ही जो देश भर में और दुनिया भर में जितने ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों के द्वारा जो अलग अलग जो प्रयास हो रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं, उसको हम लोग लोगों तक पहुंचाने का उसको खबरों के माध्यम से प्रयास करते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं प्रिंट मीडिया के ऑफिस में। ये है शिव आमंत्रण मासिक पत्रिका का ऑफिस। ये शिव आमंत्रण पत्रिका का ऑफिस है। यहाँ शिव आमंत्रण की पत्रिका, मासिक पत्रिका निकलती है, तो ये लाखों प्रतियां हर मास पूरे इंडिया में जाता है। इसका डायरेक्टर कोमल भाई है। ये शिव आमंत्रण का ऑफिस है, यहाँ पत्रिका का कारोबार चलता है, यहाँ एडिटिंग का चलता है, जो मास में पत्रिका निकलती है उसका एडिटिंग होता है। ये एडिटिंग सेक्शन है, ये विजिटिंग रूम है, यहाँ जो भी आते हैं पत्रकार यहाँ बैठ के मीटिंग करते हैं, यहाँ टाइपिंग का भी कारोबार होता है और यहाँ एडिटिंग भी होता है। शिव आमंत्रण अखबार जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक ऐसा अखबार है, क्योंकि भले हम टीवी और रेडियो के माध्यम से सुनते जानते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एक प्रमाण होता है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कई पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन शिव आमंत्रण यानी परमात्मा शिव ने संस्थान की स्थापना की थी और उनका निमंत्रण लोगों तक मिले, उस हिसाब से इसका नाम शिव आमंत्रण पड़ा है। और यह मासिक पत्रिका है, करीब 2013 से हम लोग इसको निकाल रहे हैं और देश भर में और प्लस विदेशों में भी इसकी प्रतियां जाती हैं। ब्रह्मा कुमारीज की जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, जो एथिक्स है, जो एक इसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ों को लेकर के वो हम उसका पूरा प्रयास करते हैं कि शिव आमंत्रण में हो। और यहाँ के जो सामाजिक कारोबार होते हैं, जो सामाजिक सेवाएँ होती हैं, उसके स्टेटिस्टिक डाटा, लोगों के अनुभव, तजुर्बे, उनके जीवन के सारी चीज़ें इसमें हम लोग प्रकाशित करते हैं। 16 पेज का अखबार है, हम लोगों ने इसकी वेबसाइट भी बना रखी है जिससे आदमी पूरी दुनिया भर में कहीं भी इसका PDF और डिजिटल के माध्यम से पढ़ सके। और प्रतियों के माध्यम से भी हम 10,000 की कॉपी प्रकाशित करते हैं और लोगों को पोस्ट के द्वारा पूरे देश भर में वो वितरित की जाती है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं तो आपने ओम शांति मीडिया न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो अब हम चलेंगे ओम शांति मीडिया के ऑफिस में। ओम शांति, अभी हम ओम शांति मीडिया के ऑफिस में हैं। ये मासिक पत्रिका है,
तो यहाँ से ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई सेवाओं के बारे में और यहाँ के ज्ञान के बारे में ओम शांति पत्रिका के द्वारा लाखों पत्रिका हर मास चाहते हैं। अभी हम भाई जी से सुनेंगे। अभी हम ओम शांति मीडिया के एडिटर भाई जी हैं, आप गंगाधर भाई हैं, आप उनसे सुनेंगे ओम शांति मीडिया पत्रिका के बारे में। 1999 में ओम शांति मीडिया का शुभारंभ किया तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने। ईश्वरीय सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को प्रचार प्रसार के हेतु इस पत्रिका का शुभारम्भ किया गया। ऐसे में दादी ने कहा कि ये इसमें कोई भी विज्ञापन ना हो, ना कोई ऐड हो, ऐसी पत्रिका निकले जो परमात्मा द्वारा जो स्थापित ये यज्ञ है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी ईश्वरीय गतिविधियों को सारे संसार में पहुंचाने के लिए ये पत्रिका का आरंभ किया गया। वर्तमान समय प्रारंभ में तो उसका बहुत कम था सर्कुलेशन, लेकिन वर्तमान में उसको 1 लाखों से भी ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये विज्ञापन रहित मूल्य आधारित पत्रिका विश्व में एक मॉडल देखना हो, एक एग्जाम्पल देखना हो, तो ये ओम शांति मीडिया, जिसमें मानवीय मूल्यों की रचना करने में बहुत ही कारगर साबित हुई है, कईयों में जीवन में परिवर्तन आया है और परमात्मा द्वारा जो शिक्षाएं सारे संसार में पहुंचाने का कार्य वर्तमान समय ओम शांति मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। तो अभी तक आपने देखे ब्रह्मा कुमारीज के अलग अलग मीडिया डिपार्टमेंट, अब हम आपको लिए चलते हैं ब्रह्मा कुमारीज के एनिमेशन डिपार्टमेंट में। आपने ब्रह्मा कुमारीज की बहुत सी एनिमेटेड मूवीज और सॉन्ग सुने और देखे होंगे, वो सभी एनिमेशन इस ऑफिस में बनाए जाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारीज का एनिमेशन डिपार्टमेंट है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो कुछ भी कारोबार होता है, जो कुछ भी वीडियोस बनते हैं, उसके सामने एनिमेशन, पीछे के एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट चाहिए और एनिमेशन चाहिए, वो यहाँ डिपार्टमेंट से बनता है। ये मृत्युंजय भाई की तरफ से ये कारोबार यहाँ चलता है और यहाँ का इंचार्ज है सुशील भाई। तो अभी तक हमने देखे वीके मीडिया विंग्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पिरोने का काम किया है वीके मृत्युंजय भाई ने। वीके मृत्युंजय भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था के एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं एवं इस संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। इस संस्था में होने वाले सभी छोटे बड़े आयोजनों की बागडोर इनके ही हाथों में होती है। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी और भारत के गौरव और हम सबके चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माउंट आबू विजिट का आयोजन इन्हीं के निर्देशन में हुआ। इस संस्था का आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर ही नहीं बल्कि बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवा पीढ़ियों को भी दिया जा रहा है, ताकि देश की नींव को आध्यात्मिक मजबूती भी मिल सके। तो आइए जानते हैं मृत्युंजय भाई जी से इसके बारे में विस्तार से। वर्तमान समय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक भारत और विदेश के कुछ विश्वविद्यालय के साथ मिल करके MOU के माध्यम द्वारा इस शिक्षा को एक एकेडमिक का रूप दे करके उनको डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री एंड रिसर्च डॉक्टरेट डिग्री आदि उपाधियों को भी लेने के लिए मददगार है। साथ साथ में लगभग इस समय में 147 कंट्रीज में परिवार के लोग जुड़ करके इस ईश्वरीय शिक्षा को अपना रहे हैं। इसमें लगभग 10 लाख के अधिक भाई बहनें जुड़े हुए हैं। इसमें हर वर्ग की यूथ भी है, बच्चे भी हैं और हर प्रोफेशन के लोग हैं जुड़े हुए हैं, और जोड़ करके उन्होंने अपने जीवन में योग अभ्यास अर्थात राजयोग का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस से उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभूति है। और साथ साथ में हम लोग कई विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में थॉट लैब के रूप में एक प्रयोग कर रहे हैं। उससे अब तक हम लोग जीवन में
और फिजिक्स लैबोरेटरी, केमिस्ट्री लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, साइंस लैबोरेटरी के रूप में एस्टैब्लिश किया। परंतु अपने ऊपर अपने संकल्प क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प रचना करने की विधि क्या, व्यर्थ संकल्प, अनेसरी संकल्प, अशुद्ध संकल्प, पाप संकल्प, नीच संकल्प, दुष्कर्मी संकल्प का परिणाम क्या होता है, इसको हम कैसे छोड़ना, उससे मुक्त कैसे होना, उसके बारे में हम शिक्षा देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास कराते ताकि उसको परमानेंट जीवन से दूर हो जाए, मुक्त हो जाए। इसका सफलता को भी हम देख करके बहुत विश्वविद्यालय के लोग, बहुत विद्यालय के लोग, अनेक संघ संस्था के लोग हमको निमंत्रण दे रहे हैं और ईश्वरीय शिक्षा विश्वव्यापक अभी बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा कैसे मीडिया भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आप भी जुड़िए इस मुहिम से और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी परमात्मा ज्ञान भरकर शांति और प्रेम की रोशनी फैलाएं। ओम शांति।